हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत। मैं तारिक समझा, हम बात करते हैं बीए पार्ट फर्स्ट और बीए पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत हमारा सेक्शन सी, जो इसमें निर्धनता अथवा गरीबी के बाद हमारा जो दूसरा जो टॉपिक है वो है बेरोजगारी या बेकारी। कि ये दोनों समस्याएं, चाहे बेकारी हो या निर्धनता हो, भारत की एक गंभीर समस्याएं हैं जिनकी वजह से आज हमारा भारत राष्ट्र बहुत पिछड़ा हुआ है। आज हम इसी के संबंध बात करते हैं कि बेकारी या बेरोजगारी क्या है और ये कितने प्रकार की होती है और ये किस कारण से बढ़ती जा रही है। सामान्य रूप से देखा जाए तो बेकारी का संबंध हमारे श्रम से है। बेकारी अर्थात बेरोजगारी का संबंध हमारे श्रम से है, शारीरिक श्रम से है। कि कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिनमें व्यक्ति काम करने का तो इच्छुक होता है, काम करने की इच्छा होती है, मगर उस व्यक्ति को काम नहीं मिल पाता। ऐसी स्थितियों को हम उसको बेरोजगार की संज्ञा देते हैं। कि एक व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दृष्टि से काम करने की इच्छा रखने के बावजूद भी उस व्यक्ति को कार्य नहीं मिलता, ऐसी स्थिति को हम बेरोजगारी अथवा बेकारी की संज्ञा देते हैं। क्योंकि जीवन यापन करने के लिए व्यक्ति को कोई न कोई रोजगार अथवा काम करना आवश्यक है ताकि उसकी दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ति करता रहे। लेकिन ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता तो विकट स्थिति हो जाती है। और इस बेरोजगारी के कारण भारत में दिन प्रतिदिन निर्धनता अथवा गरीबी बढ़ रही है। क्योंकि जब व्यक्ति के पास रोजगार नहीं मिलता और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती तो निश्चित रूप से वो निर्धनता की श्रेणी में आता है। तो भारत में जो निर्धनता का जो विस्तार है वे है बेरोजगारी। कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है, लेकिन उस जनसंख्या के हिसाब से यहाँ पर रोजगारों का पूर्ण अभाव है और रोजगारों के अभाव के कारण ही लोग अधिक समय तक बेरोजगारी रहते हैं, कोई काम नहीं मिलता जिसके कारण वे बेरोजगार रहते हैं। इसी के कारण वो दिन प्रतिदिन निर्धन अथवा गरीब होते जा रहे हैं। तो ये भारत की प्रमुख समस्याओं में से जो समस्याएं हैं वो एक है निर्धनता जिसे हम गरीबी कहते हैं, बेकारी और अशिक्षा और जनसंख्या वृद्धि। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो अशिक्षा का जो प्रतिशत है भारत में सर्वाधिक है और महिलाओं में शिक्षा का प्रतिशत आज भी न्यूनतम है। सर्वाधिक जो शिक्षा का जो आंकड़ा है वो बिहार के अंतर्गत निर्धनता या साक्षरता का जो कम आंकड़ा देखने को मिलता है। तो शिक्षा के कारण लोग अज्ञान है, उस अज्ञानता हमारे लिए एक अंधकार है जिसकी वजह से ना तो हमें रोजगार मिल सकता, ना हमें कोई महत्वपूर्ण बेकारी का सामना कर सकते हैं। तो इन सभी में सबसे जो महत्वपूर्ण समस्या है वो है अशिक्षा। अशिक्षा ही हमारी बेरोजगारी को बढ़ावा देती है, अशिक्षा ही हमारी गरीबी को बढ़ा देती है। तो महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर है कि बेकारी क्या है, अर्थात एक व्यक्ति काम करने की इच्छा रखने के बावजूद भी उस व्यक्ति को कार्य नहीं मिलता, वो व्यक्ति बेरोजगार है। अब वो बेरोजगार शारीरिक और मानसिक दृष्टि से सही सलामत है, लेकिन उसे काम करने की शक्ति के हिसाब से जब उसे कोई कार्य नहीं मिल पाता तो वो बेरोजगार रहता है। तो बेकारी आज के बेकारी के कारण आज हम गरीबी और निर्धन है। सभी का प्रमुख कारण हमारी अशिक्षा है। अशिक्षा वह अज्ञान व अंधकार है जो हमें अनेक रोगों से ग्रस्त करती है। बेकारी वह स्थिति वह दशा है जिसमें एक व्यक्ति रोजगार की तलाश में रोजगार नहीं मिलता, अर्थात व्यक्ति श्रम करने की इच्छा होने के बाद भी व्यक्ति को काम नहीं मिलता, वो बेरोजगारी की स्थिति है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी है कि जो श्रम करने का इच्छुक नहीं है और काम पर्याप्त मात्रा में उस व्यक्ति के पास है,
उस व्यक्ति को भी हम बेरोजगारी संज्ञा नहीं दे सकते। एक व्यक्ति तो एक ऐसा होता है जो काम करने की इच्छा नहीं रख सकता, लेकिन उसके काम बहुत सारे हैं, उन व्यक्ति को हम बेरोजगारी की संज्ञा नहीं दे सकते, और जबकि वो निर्धनता की श्रेणी के अंतर्गत आता है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो काम करने की इच्छा है लेकिन काम नहीं मिल पाता, उसे हम सामान्य रूप से बेगारी की संज्ञा देते हैं। तो विशेषकर यहाँ पर अर्थशास्त्री पेंगू ने बेगारी को स्पष्ट किया है। मार्शल और पेंगू, मार्शल और पेंगू कहते हैं कि जब एक व्यक्ति सामान्य रूप से शारीरिक आर्थिक दृष्टि से काम करने का इच्छुक है लेकिन उस व्यक्ति को पर्याप्त समय में काम नहीं मिल पाता, तो ऐसी स्थिति को हम बेकारी की संज्ञा देते हैं। जब एक व्यक्ति कार्य करने के लिए इच्छुक है लेकिन उसे कार्य नहीं मिलता, वह बेरोजगार है। बेरोजगार है। मार्शल जी कह रहे हैं कि बेकारी वह दशा व स्थिति है जिसमें व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं मिलता, वह बेकार। उपरोक्त सभी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि बेकारी एक ऐसी दशा वा स्थिति है जिसमें व्यक्ति शारीरिक मानसिक रूप से संतुष्ट होने के बावजूद भी, काम करने की इच्छा रखने के बावजूद भी, उसे समय पर वक्त पर काम नहीं मिल पाता, उसको हम बेरोजगारी की श्रेणी मानते हैं। बेरोजगारी के प्रकार, समय के आधार पर बेरोजगारी के प्रकार मौसमी बेरोजगारी, जो मौसम के अनुसार चलती है, जो कुछ समय ही चलती है, समय समाप्त होने के बाद में काफी लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। जैसा कि अधिकांश चीनी उद्योगों के अंतर्गत जब भी गन्ना का उत्पादन होता है तभी वो मिलें चलती हैं, बाकी समय में वो काफी समय तक बंद रहती है। ऐसी स्थिति में मौसम के अनुसार जो उद्योग जो कारखाने चलते हैं और कुछ समय के लिए वो बंद हो जाते हैं, कुछ समय के लिए वो चलते हैं, ऐसी स्थिति को हम कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। अर्थात वो मौसम के अनुसार रोजगार चलने के कारण कुछ लोगों को तो रोजगार मिलता है, बाकी समय को खाली समय बैठे रहते हैं, ऐसी स्थिति को हम कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। दूसरा है औद्योगिक बेरोजगारी, प्रौद्योगिक बेरोजगारी। अर्थात कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उद्योगों पर निर्भर रहते हैं, जब भी वे उद्योग चलते हैं तो उन लोगों को रोजगार मिलता है, जब भी औद्योगिक बंद हो जाते हैं तो वो उनको काफी समय तक बेरोजगार रहना पड़ता है, ऐसी बेरोजगारी को हम कहते हैं प्रौद्योगिकी बेरोजगारी। तीसरा है शिक्षित बेरोजगारी।
व्यक्ति शिक्षित होने के अनुसार उसकी शिक्षा के आधार पर उसे रोजगार नहीं मिलता और वो खाली समय अपना व्यतीत करता रहता है, ऐसी स्थिति को हम कहते हैं शिक्षित बेरोजगारी। अर्थात कोई भी व्यक्ति शिक्षित उच्च डिग्री लेने के बावजूद भी उस डिग्री पर आयु और योग्यता के आधार पर उस व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता, ऐसी बेरोजगारी को हम शिक्षित बेरोजगारी की श्रेणी में रखते हैं। चौथा है घर्षण बेरोजगारी। घर्षण बेरोजगारी के अंतर्गत हम कृषि के अंतर्गत लेते हैं या मशीनी या औद्योगिकरण के अंतर्गत लेते हैं, जो कि कुछ समय टूट फूट के समय व्यक्ति को काफी समय तक हो वो उसको रोजगार रहना पड़ता है। छिपी बेरोजगारी, कृषि के अंतर्गत छिपी बेरोजगारी कृषि के अंतर्गत देखने को मिलती है। अर्थात तो कृषि के अंतर्गत तो सारे परिवार के सदस्य एक ही काम को लगे रहते हैं और वो काम समय पर ना होने के कारण व्यक्ति उसी श्रम के अंतर्गत अपने आप को निरंतरता जारी रखने से समाज के अंतर्गत फिर छिपी बेरोजगारी का बढ़ावा मिलता है, क्योंकि इसमें कृषि के अंतर्गत कितने भी व्यक्ति काम करते हैं लेकिन काम इतना ही दिखता है। सभी व्यक्ति अपना श्रम अपने योगदान करने के बाद में उत्पादन करते हैं, ऐसी स्थिति में जितने भी बेरोजगार व्यक्ति रहते हैं कृषि के अंतर्गत संलग्न हो जाते हैं, कार्य में संलग्न सम्मिलित हो जाते हैं, उन सभी का कार्य एक सामान्य रूप से दिखाई नहीं देता, जिसके कारण उसकी बेरोजगारी जो होती है वो छिपी बेरोजगारी के अंतर्गत आती है। खुली बेरोजगारी, एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से खुला रहता है लेकिन फिर भी चारों तरफ कैसा भी उसकी योग्यता क्षमता कुशलता के आधार पर कार्य नहीं मिल पाता, ऐसी बेरोजगारी को हम कहते हैं खुली बेरोजगारी। यह रहा बेरोजगारी के प्रकार।